जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि एआरओ अलवर के एडमिट कार्ड आर्मी भर्ती के आ चुके हैं। एआरओ का मतलब यानी कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस अलवर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊँगा कि एडमिट कार्ड किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड के बारे में किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो आपको पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, 7303017978। अगर आप किसी को भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमको इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि 7303017978। और मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरी भर्ती कितनी तारीख को, यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हो कि मेरी भर्ती 19 सितंबर को दी हुई है, रात को 1 बजे एंट्री टाइम है। तो आप हम बात करने वाले एडमिट कार्ड किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं बता दूं, पहले जो नोटिफिकेशन में ट्रेनिंग से वो भर्ती का जगह दी हुई थी वो चेंज कर दी गई है। अब CISF ट्रेनिंग सेंटर अनंतपुरा तहसील बहरौड़ डिस्ट्रिक्ट अलवर में होने वाली है। पहले आपको सीतारमन कुछ करके मीना ग्राउंड दिया हुआ था, वो अपना आपका चेंज कर दिया गया है। तो अब हम बात करने वाले एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तरफ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है जॉइन इंडियन आर्मी के नाम से। जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपसे कैप्चर कोड मांगा जाएगा। उस कैप्चर कोड को डालने के बाद आपके प्रकार से इस प्रकार की डेस्कटॉप साइट खुल करके आ जाएगी। जैसे ही आपके पास यह खुल करके आती है, आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है इस अग्निपथ पर, जो यहाँ पर अग्निपथ के नाम से लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अग्निपथ पर क्लिक करते हो तो अग्निपथ पर क्लिक करने के बाद आप पास इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो अप्लाई नाउ के नाम से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आईडी यानी कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी जीमेल आईडी डाली थी वो मांगेगा। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद आपको कैप्चर कोड डाल करके भर देना। जैसे आप कैप्चर कोड डालोगे, जीमेल आईडी पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास बताता हूँ किस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। अभी लॉगिन करने के बाद आपके पास यह खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मैं राजस्थान से ही हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा भरतपुर है और तहसील मेरी भरतपुर है। और बाकी की डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर जेड आर ओ आप देख सकते हो जयपुर है और एआरओ हमारा आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर हमारा अलवर दिया हुआ है। तो अब इससे आप पता लग रहा होगा कि आपको यह ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उसके बाद आपको क्या करना मैं भी बता देता हूँ अभी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन की जानकारी हम आपको दे सके। अब हम बताते हैं एडमिट कार्ड के लिए क्या करना है आपको। इसी वेबसाइट पर आपको नीचे की तरफ जाना। जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड वाले पोर्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर दी हुई है जहाँ पर हमारी भर्ती होने वाली है। भर्ती होने वाली है हमारी CISF ट्रेनिंग सेंटर अनंतपुरा तहसील बहरौड़ डिस्ट्रिक्ट अलवर, यानी कि अलवर के अंदर भर्ती होने वाली है। पहले ये जगह को ही और दी हुई थी और अभी 29 तारीख को आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था कि जगह चेंज हो चुकी है जहाँ पर आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ जो यहाँ पर प्रिंट, ये प्रिंट के नाम से जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये लोकेशन दी हुई है जहाँ पर हमारी भर्ती होने वाली है। हमारी डेट दी हुई है 19 सितंबर 2022 को हमारी भर्ती होने वाली है अलवर में, जो कि सुबह 1 बजे से एंट्री होने वाली है और GD की भर्ती है ये। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना, सबसे नीचे चले जाना है। एडमिट कार्ड में सबसे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर डाउनलोड के नाम से, इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपसे इस प्रकार से दिखाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ, दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, कि यह फाइल जो है आपकी प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड डाला हुआ है, इसमें आपको पासवर्ड बता देता हूँ, आपने फॉर्म भरते टाइम तो जीमेल आईडी डाली थी वही आपका पासवर्ड रहने वाली है। तो इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ से जैसे हमने ओके किया तो हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, यहाँ पर हम अपने जीमेल आईडी पासवर्ड डाल देंगे जो हमारी जीमेल आईडी है। अब जीमेल आईडी को डालने के बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओपन करते हो तो ये हमारा एडमिट कार्ड खुल चुका है। मैं और अन्य जानकारी दिखा नहीं सकता, यहाँ पर देख सकते हो एआरओ अलवर और नीचे लिखी हुई डेट भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रियल एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड अभी आए हैं। हमने सबसे पहले आपको वीडियो बना करके जानकारी दी है। तो अगर आपको किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके पास भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने शुरू में दिया था। और इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय।